लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। ईवीएम मामला, कांग्रेस नेता उदित राज के बिगड़े बोल, कहा क्या सुप्रीम कोर्ट भी धांधली में है शामिल। नई दिल्ली, कांग्रेस नेता उदित राज की विवादित बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देश भर में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर ही रही चर्चा के बाद उदित राज ने इस बार सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदित राज ने ट्वीट कर कहा, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता है कि वीवीपैट की सारी पर्चियों को गिना जाए, क्या वो भी धांधली में शामिल है। चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग 3 महीने से सारे सरकारी काम बंद पड़ा हुआ है तो गिनती में 2-3 दिन लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। गुरुवार को ही उदित राज ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा को जहां जहां ईवीएम बदलनी थी बदलनी होगी, इसलिए तो चुनाव 7 चरणों में कराया गया और आपकी कोई नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आना पड़ेगा। अगर देश को इन अंग्रेजों के गुलामों से बचना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। साहब, चुनाव आयोग बिक चुका है। इससे पहले उदित राज ने एक और विवादित ट्वीट करते हुए कहा था, केरल में भाजपा आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोग शिक्षित है, अंधभक्त नहीं। उदित राज के इस बयान पर बीजेपी के टॉम वड़कम ने उदित राज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्हें कोई केरल के कल्चर और एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं है, उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि वह जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसका केरल में कोई आधार नहीं है। इंडोनेशिया में चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के समर्थक पुलिस से भिड़े। जकार्ता 22 मई इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव में शिकस्त हुई। उम्मीदवार के समर्थक राजधानी जकार्ता में सुरक्षा बलों से भिड़ गए और उन्होंने पुलिस की एक इमारत तथा गाड़ियों में आग लगा दी। राष्ट्रीय पुलिस प्रवक्ता टेडी प्रसिद्धो ने बताया कि प्रदर्शनकारी मंगलवार रात हिंसक हो गए और हिंसा रात भर जारी रही। बुधवार को हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। कॉम्पास पथराव कर रहे अर्धसैनिक पुलिस की इमारत में आग लग गई हुई है और शहर के मध्य इलाकों में सैकड़ों दंगा पुलिस तैनात है। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा था कि राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 17 अप्रैल को चुनाव में जीत हासिल की है, वहां दूसरे कार्यकाल के लिए 55% मतों के साथ निर्वाचन हुए हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी पूर्व जनरल प्रभावो सुबियांतो ने चुनाव नतीजे मामले से इनकार कर दिया और खुद को विजेता घोषित कर दिया। उनकी योजना चुनाव को संवैधानिक अदालत में चुनौती देने की है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।